हेलो स्टूडेंट्स जस्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था अल्फाबेट टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे मीन टाइप्स बोल दो या फिर क्वेश्चंस बोल दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे थे ठीक है उसके पहले एक और अल्फाबेट टेस्ट का लेक्चर था तो दो लेक्चर हुए थे मोस्टली और ये थर्ड वन लेक्चर है जो आपका एनडी होगा अल्फाबेट टेस्ट का है ना छोटा सा ही चैप्टर है ठीक है उसमें डाइस टेस्ट और क्यूब टेस्ट में क्या था थोड़ा बड़ा था समझने लायक ज़्यादा था इसलिए थोड़े ज़्यादा लेक्चर्स लग गए है ना अब कुछ कुछ चैप्टर ऐसे भी आएंगे जो हो सकता है एक दो क्लास में ही खत्म हो जाए ठीक है तो वैसा ही एक अल्फाबेट टेस्ट वाला था अपन ने कुछ डिस्कस करा था अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने के ट्राई करते हैं ठीक है तो देखो सबसे पहले बोला अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेट ऑर्डर एंड टिक वन दैट कम फर्स्ट मतलब पहले कौन आने वाला तो इसमें देखोगे बेटा जी आर ए ये तो सब में ही है ठीक है उसके बाद एम है एन है डी है और एन है तो कौन आएगा सबसे पहले आपका ऐसा देखोगे तो डी आएगा कायदे से तो जी आर ए डी आई ई एन टी ग्रेडियंट होगा वो आपका सबसे पहला नंबर पे आएगा ठीक है बहुत सिंपल है कोई ज्यादा है नहीं अपने डिक्शनरी है महेंद्र में बात करा महिंद्र महिंद्रा महिंदर महिंद्रा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है है ठीक जो भी है अब देखो सब में तो तो सब में में ही ही देखोगे तो तो एम आ रहा है है बेटा ठीक अब उसके बाद देख रहा हूं एच तो आ रहा है एच आ रहा है एन आ रहा है एच आ रहा है तो एन वाला तो एच के बाद हो गया तो ये तो आपका होगा हो नहीं ठीक है अब ये तीन बचे उसमें देखो एच एच तक तो सब में ही कॉमन है बाद में देखो इन दो में ई आ रहा है इन दोनों में क्या आ रहा है एम ए एच ई आ रहा है और इसमें आ रहा है एम ए एच आई आ रहा है तो देखो आई उसके बाद आएगा तो ये तो और एंड में चला जाएगा तो ये कट गया पहले वाला देखना है तो मैं पीछे वाले उड़ाते जा रहा हूँ यहाँ पे देखो ई e ई -E, तो देखो यहाँ पे देखोगे तो एम ए एच आई ई तक सॉरी डी तक कॉमन है यहाँ पे क्या है आपका डी तक कॉमन है यहाँ पे आपका डी तक कॉमन है तो मतलब एम ए एच ई एन डी अब एक में तो है ई e आर एक में है आर ए तो पहला कौन सा आएगा ई आर बट ऑबियस है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट वन इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन द फाउंड इन द डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन फ्रॉम द लेफ्ट इन द लास्ट वर्ड पहले बोला है बेटा सबसे लास्ट वर्ड निकालो ठीक है तो देखो लास्ट वर्ड में देखता हूँ ना तो आई एन तो सब में ही है ठीक है अब लास्ट वर्ड पूछा है तो अपन आगे वाले को उड़ाते चलते तो देखो आई एन टी है एफ है टी टी एफ एस है ठीक है तो देखो देखो ये है आई एन टी है आई एन एफ है इंफॉर्मेशन में और एक है आई एन एस ये तीन वर्ड है ठीक आई एन के बाद ये तीन मिल रहे अब देखो एफ तो एफ वाला तो सबसे पहले आएगा टी वाले बीच में आएंगे टी वाले बहुत सारे बट वो सब इनके मिडिल में आएंगे और आई एन एस सॉरी टी वाले एंड में आएंगे सॉरी टी वाले क्या होंगे आपके इसमें सिंपल से आपके टी वाले जो होंगे देखो वापस बता दे दो तो, एफ वाले वो सबसे पहले आएगा तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ गया तो इसको तो छोड़ दो ठीक है अब आई एन एस ठीक है तो आई एस टी बाद में आता है तो सबसे लास्ट में टी वाला आएंगे तो एस वाला भी गया ठीक है अब है ये आपके वर्ड ठीक है अब देखो इंटीमेशन इंटरेस्ट और इंटीग्रो integru... इंट्रोगेशन हा इंट्रोगेशन हो गया ठीक है तो ये इन तीन में से कोई ना कोई होगा तो वो चेक करते हैं अब देखो आई एंड टी तो गया अब देखो यहां पे आई है यहां पे ई e है यहां पे ई e है तो सिंपल सा सोचो आई एन टी है देखो आई एन टी आई ठीक है और दूसरा है आई एन टी ई ठीक है तो देखो ई e वाले तो पहले आएंगे टी आई से तो सबसे लास्ट में टी आई वाला बचेगा तो ये बनेगा इंटीमेशन तो ये सबसे लास्ट में होगा तो मतलब देखो आप कोई बच्चा होगा सबको अरेंज करेगा मेरे तो सब को सबको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को तो लास्ट वाला फाइंड आउट करना है तो मैंने लास्ट वाला फाइंड आउट कर दिया जो क्या है इंटीमेशन ठीक है ये इंटीमेशन हो गया अब इसमें बेटा अपने को बोला गया है इसको सिंपलीफ ये हो गया अपना ठीक है इंटीमेशन वाला अब देखो इसमें देखो आई एन टी आई ठीक है ये हो गया एंटीमेशन अब देखो अपने को क्या पूछा है फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट तो लेफ्ट से फोर्थ लेटर कौन आएगा लेफ्ट वन टू थ्री फोर आई डी ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक है तो कोई मतलब ऐसा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं आप थोड़ा सा मैं समझा हुए कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है बाकी तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा <coughs> ये अपना वाला इंटरेस्ट वाला फेवरेट क्वेश्चन वापस ये बोला बेटा हॉरिजन में ऑरिजन ऑरिजन बोलते हैं ना शायद एज साइलेंट रहता है क्या इसमें देख लेना ऑरिजन या हॉरिजन ऑरिजन ही होगा शायद एस साइलेंट ही रहना चाहिए है ना तो इसमें आपको पूछा है कि देखो ये वही गई हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड ओरिजिन विच हैव एज मैनी एज लेटर बिटवीन

और एक बन गया नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एक बन गया सा। अब अगला ट्वेल्व नहीं बना ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन की बजाय वन लो वन टू नहीं हुआ ठीक है। फिफ्टीन सिक्सटीन नहीं हुआ उल्टा चलते फोर्टीन फिफ्टीन एक बन गया सिक्सटीन सेवनटीन एटीन दो नाइनटीन ट्वेंटी दो यहाँ पे मिल गए फिर देखो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एक मिल गया नाइनटीन ट्वेंटी नहीं मिला ठीक है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी नहीं मिला नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नहीं मिला एटीन नाइनटीन ट्वेंटी नहीं मिला फिफ्टीन सिक्सटीन नहीं मिला तो देखो टोटल आपको फोर मिली

तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जब दो लेटर के बीच में जो गैप है सपोज पहले टेन का है तो दूसरा एट का होना चाहिए मतलब टू टू से क्या होना चाहिए डिक्रीज ऐसा कुछ बोल रहा है तो पहला क्वेश्चन लेता है एफ क्यू डब्ल्यू बीजी ठीक है इसमें देखो तो नंबरिंग सबसे सिंपल रहता है नंबरिंग से ठीक है ये सिक्स होता है ये सेवनटीन होता है डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री होता है ये टू होता है ये सेवन होता है अब आप बोलोगे सर गुरुजी आपको कैसे याद है भाई ऐसे याद नहीं होते है, ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे याद रहेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पे इन दोनों का गैप कितना है है ना इन दोनों का गैप देखता हूँ डिफरेंस तो कितना है बेटा आपका सिक्स माइनस करोगे तो आपका इलेवन है इनमें देखूंगा तो सिक्स है इनमें देखूंगा तो मतलब आपका डिक्रीज बाई टू होना चाहिए था टू तो है ही नहीं तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन ठीक है अगला चेक करते हैं अपन ठीक है एच क्यू एक्स सी एफ ठीक है तो अब पोजिशन लिख लेता हूँ एट सेवनटीन ट्वेंटी त्वेंती फोर थ्री और सिक्स ठीक है अब देखो इन दोनों में गैप देखो डिफरेंस डिफरेंस देखना है ना आ, 17 माइनस एट आपका हो गया नाइन इन में गैप देखोगे तो आपका हो गया फोर फोर और थ्री सेवन इन दोनों में गैप वापस देखो अब देखो अब यहाँ पे मजा आएगा इन दोनों में तो गैप आप लिख सकते हो थ्री का है अब देखो इन दोनों में गैप ऐसे नहीं निकालेंगे इसकी एक नई पोजीशन लिखेंगे इसकी थर्ड पोजीशन भी है और जेड के बाद बात करूँगा ट्वेंटी सिक्स के बाद तो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन तो इसकी ट्वेंटी नाइन भी पोजिशन रहेगी तो इसको 29 से सॉल्व करोगे तो ये फाइव आएगा तो देखो माइनस टू माइनस टू माइनस टू के गैप से बन रहा है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यार क्वेश्चन ये तुम्हें तो ऐसे लिया था अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब इसमें आपको इसको 29 लिखना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि 26 के बाद जब बात करते हैं तो आपका वन से रिपीटेशन होता है वन से स्टार्ट कर सकते हो अदरवाइज 26 से प्लस 27 के थ्रू ही जा सकते हो 27 28 ऐसे भी जा सकते हो ठीक है तो ये वो हो इस टाइप का क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन विच लेटर टू बी द विच लेटर टू बी द फोर्टीन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट ठीक है सिंपल क्वेश्चन इसने बोला बेटा फोर्टीन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट फोर्टीन पे होता है आपका एन क्या होता है बेटा एन ठीक है एन हो गया फोर्टीन लेटर ठीक है ये फोर्टीन पे होता है आप चेक कर लेना ठीक है क्योंकि ओ होता है फिफ्टीन फोर्थ और नाइन्थ लेटर फ्रॉम राइट इधर से नाइन्थ लेटर तो देखो बेटा पीछे से नाइन्थ लेटर पूछा है क्या पीछे से अपन आगे से तो नंबरिंग याद रखते पीछे से नहीं रखते तो देखो पीछे से नौ है ठीक है तो आगे से निकालने के लिए किसमें से माइनस करता होता है ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन यानी एटीन तो एटीन पे होता है आपका आर ठीक है तो ये हो गया कुछ गड़बड़ कर रहा हो क्या फोर्टीनथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड नाइन्थ अच्छा नाइनटीन्थ पूछा है सॉरी 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 मैं वही बोल रहा हूँ नाइनटीन्थ लेटर पूछा है इसमें तो देखो नाइनटीन्थ लेटर मतलब ट्वेंटी सेवन माइनस नाइनटीन्थ यानी आपका हो गया एटथ एटथ पे होता है बेटा आपका एटथ पे होता है जी एच ठीक है तो एच होता है आपका एट पे अब बोल रहा है इन दोनों के बीच में निकालो ये मिटा दो आप है ना ये मिटा दो आप ठीक इन दोनों के मिडल में बोला है तो इन दोनों के मिडल में कौन होगा एच आई जे के एल एम एन ठीक इन दोनों के मिडिल में देखो ये उड़े ये उड़े बच्चा के भाई साहब तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया मतलब बहुत सिंपल है आपको थोड़ा सा देखो ये जब नंबरिंग पता होगी ना तो आप फटाफट निकाल पाओ फोर्टीन पूछा फटाफट निकाल दिया नाइनटीन पीछे से पूछा था तो ट्वेंटी सिक्स माइनस सॉरी ट्वेंटी सेवन माइनस नाइनटीन करा तो आपका एटथ पोजिशन आ गई तो आपको एट्थ आपको आगे से पता होगा पीछे से आपको याद करने की जरूरत नहीं उसको अपन थोड़ा सा यूज कर सकते हैं ना विच लेटर टू बी द दिक्सथ हाँ अब देखो इसमें देखो विच लेटर टू बी दिक्स टू द लेफ्ट ऑफ इलेवेंट लैटर फ्रॉम ये गलत लिखा हुआ सर विच लेटर इसका अगला क्वेश्चन कौन सा था यार ये क्वेश्चन लिया था मैंने ये गलत अलग क्वेश्चन आ गया विच लेटर विल बी सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ इलेवेंट लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अल्फाबेट सीरीज तो बेटा ए से आपका जेड तक आ गया ठीक है बेटा हम काम की बात करते देखो सिंपल सा देखो इसने क्या बोला है सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ इलेवंथ लेटर फ्रॉम योर राइट तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उसमें एंड से स्टडी करो एंड का पढ़ो जरूर इलेवंथ लेटर फ्रॉम योर राइट तो देखो यहां से बेटा इलेवंथ लेटर पूछा है आपको ठीक है देखो मेरे को यहां से इलेवंथ पूछा है तो मेरे को आगे से पता है तो आगे से कितना होगा बेटा ट्वेंटी सेवन माइनस इलेवन तो आपका बचेगा सिक्सटीन तो सिक्सटीन पे होता है बेटा पी ठीक है कौन होता है पी तो ये हो गया इलेवन देखो देख सकते हो आप चेक भी कर सकते हो ठीक है देखो यहां पे देखो इलेवंथ पे है ना तो इधर टेन और और होने चाहिए तो देखो Q ठीक है इसको लिखना चाहो देखो P Q R S T U V W X Y Z देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवंथ ठीक है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो बट वही है कि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा अब बोला अब क्या बोला विल बी दिक्स टू द लेफ्ट इसके भी लेफ्ट में जाना है सिक्स पोजिशन तो इसमें से सिक्स माइनस कर दो तो क्या आएगा बेटा टेन पे टेन पे होता है जे क्या होता है टेन पे जे हो जाएगा ठीक है अब देखो इसको और तरीके से और देखो इसको और लिखना चाहते हो देखो आप देखो आई जे के एल एम एन ओ पी अब देखो सिक्स पूछा था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये भी हो गया तो पहले क्या बोला बेटा राइट से इलेवेंथ फिर इसके भी लेफ्ट में मतलब सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ इलेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट ठीक है तो ये थोड़ा सा अपने को इस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहता है तो आप पीछे से स्टार्ट करो देन दूसरा वाला मूव करवा दो ठीक है यहाँ लेफ्ट पूछा राइट right. देखो लेफ्ट पूछा तो ये देखो इसमें बहुत सिंपल होता है ये सिक्सटीन तो आपको मिल गया ठीक है पोजिशन के साथ खेलोगे ना तो और मजा आएगा सिंपल देखो सिक्सटीन से लेफ्ट में पूछा सिक्स तो माइनस कर दो राइट में पूछता तो प्लस कर देता ऐसा करना है ठीक है तो नेक्स्ट वन तो नेक्स्ट वन ये वाला क्वेश्चन करा था जिसमें अपन ने बोला था हाँ अब इसमें पूछा है कि अपने को कि क्वेश्चन में बोला है कि कौन से मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे तो आप सब एक एक चेक कर सकते हो आराम से इजीली सबको चेक करो मिल जाएगा मैं इनके आंसर लिखना चाहूँ तो देखो पहले का बनेगा ट्रेस टी आर ए सी ई तो देखो टी कितने पे बेटा आपका फाइव पे आर कितने पे वन पे ए कितने पे टू पे सी कितने पे थ्री पे ई e कितने पे फोर पे फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट वन देखोगे तो आपका बनेगा सुगर ठीक है आप चेक करना पहले ना चेक कर लेना आराम से सबका नहीं बस बन... देखो ये तो मेरे थोड़े से याद थे उस टाइप के दिख रहे तो उस हिसाब से मैं चेक कर ले हूँ। बट आपको नहीं समझ में आता तो आप सबको अरेंज करके सब सबके वर्ड बनाओ जो मीनिंगफुल बनेगा वो मिल जाएगा आपको बताया था आपको तो एस देखो आपका थ्री पे यू आपका टू पे जी आपका फोर पे ए फाइव पे आर वन पे तो थ्री टू फोर फाइव वन थ्री टू फोर फाइव वन।, वन लास्ट वाला थ्रू बन रहा है टी एच आर ओ यू जी एच ठीक है टी एच ठीक है तो टी कितने पे बेटा दो पे एच कितने पे है सिक्स पे आर कितने पे एक पे ओ कितने पे चार पे यू कितने पे पांच पे जी कितने पे नहीं बन रहा है ये नहीं ये नहीं बन रहा यार टफ बन रहा है टफ टफ टफ, टफ 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 ये बन रहा है टी ओ टफ की स्पेलिंग यही होती है ना सर देखो एक बार एक बार चेक कर लेते इसको इस, इसमें आ गया है ना इसको चेक ही कर लेते चलो कोई प्रॉब्लम नहीं अपना वो रीचेक भी हो जाएगा यहाँ पे वन पे आर थ्री पे ए फोर पे आपका ओ फिफ्थ पे आपका यू सिक्स पे आपका एच टू पे आपका टी ठीक है ये तो कुछ बन नहीं रहा है सर टू पे टू पे आपका टी थ्री पे आपका ए Six पे आपका एच फोर्थ पे आपका ओ फिफ्थ पे आपका यू और वन पे आपका आर नहीं बन रहा ये भी सिक्स पे आपका एच थ्री पे आपका ए टू पे आपका टी फोर पे आपका ओ फिफ्थ पे आपका यू और लास्ट वन पे है आर ठीक है डी लास्ट में क्या बन रहा है थ्री पे क्या है आपका बेटा ए फिफ्थ पे क्या है आपका यू अच्छा 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 जी ऑथर बन रहा है क्या ए यू सेकंड का है आपका टी हाँ सिक्स का एच और फोर का क्या है आपका ओ और वन का ठीक है हाँ ऑथर बन रहा है टफ अच्छा टफ में आर नहीं आता ना हाँ सही है टफ में हार नहीं आता ठीक ठीक तो डी ऑप्शन ऑथर बन रहा है ना तो देखो ये मेरे को अब ये वाले तो पता था अब देखो इसमें कुछ ऐसा बना नहीं थ्रू सोच रहा था मैं थ्रू जा बन जाएगा वो नहीं बना चलो ऑथर बनाए बट हाँ ये देखो यही तरीका है सब बना के देख लो चलो ये मेथड भी पता चल गया मतलब जिसको कोई पहली बार वीडियो देख रहा हो उसके लिए फायदा ही बाकी वो भी मैथड ये मैथड मेन तरीका यही है ऐसा चेक कर लो जो मिल जाए वो बढ़िया बात है अगला वाला इन इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय द री द लेटर दे ये बेटा बोला कि इनको रीअरेंज करके आपको क्या बनाना है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो उसका फर्स्ट लेटर बताना है और इफ़ नहीं बनता है तो आपको उसका आंसर एक्स लिखना है मतलब आ, नो सच वर्ड इज़ फॉर्म देन द आंसर इज एक्स एक्स आंसर होगा बट एक्स तो आपका ऐसा ऑप्शन में है भी नहीं ठीक है तो होगा कि बट ऑबियस है कि वर्ड बनेगा ही तो इससे बनता है बेटा आपका कैजुअल बनता है कैजुअल में क्या आएगा सी सबसे पहले आएगा तो आपका कैजुअल बन जाएगा ठीक है तो सिंपल से आप देख लेना है ना आराम से बन जा रहा है सी ए बन रहा है सी भी आता है ए भी आता है एस भी आता है यू भी आता है ये ये दो बार आ जाता है ठीक है तो कैजुअल बन जाएगा ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेटर ऑफ अल्फाबेट सीरीज आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर रिवर्स वे दैन दिच विल इन बी दिक्सथ सेवंथ लेटर राइट टू द क्यू बेटा यहां से बोल रहा है कि जेड से लेके मैंने एथ तक लिखा उल्टा अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा लिखना नहीं है अपने को नंबर के साथ खेलना है क्योंकि देखो इफ़ एन टी एस सी आपको क्रैक करना है तो थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा ठीक है इसने क्या बोला बेटा सेवंथ लेटर टू द राइट ऑफ क्यू ठीक है तो Q के राइट में सेवन्थ लेटर तो बेटा यहाँ पे Q होता है कहीं पे ठीक है इसकी पोजीशन इधर से देखता हो तो मेरे को पता है सेवनटीन्थ होती है ठीक है अब यहाँ से बोला इसके राइट में सेवन्थ लेटर तो यहाँ पे जाना है सेवन्थ पे ठीक है तो सेवनटीन माइनस कितना कर दो सेवन तो कितना आता है टेंथ आता है तो टेंथ पे होता है आपका जी तो सी आपका करेक्ट आंसर बाकी आप अपने तरीके से करना हो तो करते रहना मैंने मेरा तरीके से जेड टू ए क्यू पर बोला क्यू मेरा यहाँ से चेक करा मैंने सेवनटीन होता है उसने बोला है कि सेवन्थ राइट में जाना है तो राइट में चला गया तो सेवन्थ यहाँ यहाँ बेटा माइनस क्यों करा क्योंकि इधर में जब पोजिशन पर जाऊँगा तो सेवनटीन तो ऑलरेडी है तो माइनस होगी यहाँ पर कौन होगा पी क्यू ये सिक्सटीन पे होगा ओ होगा फिफ्टीन पे तो ऐसा माइनस होती जाएगी ठीक है तो इसलिए मैंने ये लिखा है ठीक है आप लिखना चाहो तो लिख लो देखो क्यू पी ओ एम एन ओ होता था एम एन ओ जे के एलो ये जे के एल ठीक है अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है तो जे आ गया आपका तो वैसे भी आएगा कैसे भी निकालो आप आंसर आ जाएगा सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेट विच इज़ नॉट बी रिटर्न फ्रॉम द लेटर ऑफ एजुकेटेड मतलब कहने का बेटा मतलब है कि इसके जो लेटर ऑफ हो रहा है ई डी यू सी ए टी डी -E बोला कि बेटा इन एटथ लेटर में से इन एट लेटर में सॉरी कितने फोर फाइव हाँ एट एट लेटर से ही कोई ना कोई वर्ड बना होता है तब तो यहाँ पे देखते हो डक देखते हो तो के है बट के एक्चुअल में यहाँ पे है नहीं तो ये करेक्ट आंसर हो गया कि नॉट बी कौन सा फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे देखोगे तो बेटा के नहीं है तो के से फॉर्म नहीं हो सकता यहाँ पे देखो क्यूट तो सी तो देखो आ रहा है यू भी आ रहा है टी भी आ रहा है ई भी आ रहा है टेड टेड में देखो टी भी आ रहा है ए भी आ रहा है डी भी आ रहा है ई भी आ रहा है इसमें देखो ए भी आ रहा है सी भी आ रहा है टी भी आ रहा है ई भी आ रहा है तो सब आ रहे हैं ठीक है थीके? तो इस पहले वाले में के है वो इसमें है नहीं तो उससे बना हुआ है देखो स्टेज वन का क्वेश्चन है एकदम सिंपल से। अगला क्वेश्चन इस बोला कॉन्ट्रीब्यूशन में बोला है कि सेकेंड सिक्स नाइन्थ और ट्वेल्थ है ना तो six, देखो ड पे कौन है ओ सिक्स पे देखोगे थ्री थ्री सिक्स आई ठीक है बाद में क्या पूछा है नाइन्थ सिक्स पे आई था सेवंथ एथ नाइन नाइन पे टी ठीक है फिर बाद में ट्वेल्थ पे एन अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड है ना इफ मोर देन वन सच वन सच वर्ड्स कैन बी मेड गिव एम एज ए आंसर एंड नो वर्ड सच इज वर्ड इज देयर गिव एक्स एज आंसर कहने का मतलब बोला है बेटा कि एक वर्ड बनता है तो उसका लास्ट लेटर बताओ क्या होगा सपोज ये बोल रहा है कि इफ मोर देन वन लेटर हो सपोज आपके मोर देन वन लेटर अल्फा सॉरी uh, वर्ड्स बन रहे मोर देन वन तो उसको एम दो और इफ नहीं बन रहे हैं कुछ भी तो उसको क्या दे दो बेटा एक्स आंसर तो आप यहां से देखोगे तो बनेगा इन टू तो लास्ट में क्या आ रहा है बेटा ओ तो वो आपका आंसर हो जाएगा है दिल्या? थोड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो ये मे भी लास्ट ही क्वेश्चन होगा ये बोलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसको देखते हैं बोला विच लेटर वुड बी द नाइन टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिवर्स कहने का मतलब बेटा ए से एम क्योंकि एम होता है बेटा थर्टीन तक ठीक है ए होता है वन फिर होता है जेड ट्वेंटी सिक्स तो ये पहला हाफ ये रहता है ये एन से जेड क्या रहता है दूसरा हाफ देख सकते हो आप आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि थर्टीन उधर आ गया थर्टीन उधर इसने क्या बोला भाई साहब ने कि पहले वाले को मैं क्या करता हूँ रिवर्स कर देता हूँ तो एम से लेके मैंने क्या लिखा जे ए तक ठीक है यहाँ पे आ जाएगा सब जो भी है और यहाँ से बेटा एन से लेके कर जेड तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं मेरे को इन रिवर्स ऑर्डर ठीक है रिवर्स फर्स्ट हां अब बेटा इसने क्या बोला है देखो नाइंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइंथ लेटर फ्रॉम योर राइट तो मैंने बोला था सबसे लास्ट वाला पहले पढ़ना है सबसे लास्ट वाला पहले पढ़ना है तो क्या बोला नाइंथ लेटर फ्रॉम द राइट तो यहां से बेटा नाइंथ लेटर तो मतलब पीछे से नाइंथ पूछा है आपको पीछे से नाइन्थ पूछा है तो बताओ ये तो फोर्टीन पे ठीक है तो देखो इनके बीच में थर्टीन लेटर तो ही है ये तो पीछे से नाइन्थ तो देखो पीछे से नाइन्थ यानी आगे से इस, इसको भूल जाओ थर्टीन के बाद ही आएगा ठीक है तो इसको इसको भूल जाओ तो आगे से क्या होगा पीछे से नाइन्थ तो आगे से ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन कर दू तो एटीनथ पे आएगा तो नाइन्थ कौन रहेगा बेटा आर रहेगा कौन रहेगा आर अब बच्चा सोचेगा अक्सर ये आगे वाला तो रिवर्स है बेटा ये रिवर्स हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये थर्टीन तो पूरे काउंट हो गए आगे पीछे हो तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो एक्चुअली फोर्टीन से ही काउंट हुआ है तो ये आपका हो गया एटीनथ पे आर अब क्या बोला है बेटा इसके लेफ्ट में नाइन करना है क्या करना है लेफ्ट में नाइन करना है ठीक है तो देखो ये बेटा एम से लेके ए तक था फिर आपका कौन आ गया एन से लेके R आर आ गया यहाँ पे फिर जेड़ आया ये क्या था बेटा एटीनथ ठीक है अब थोड़ा सा आपसे डिफिकल्टीज दिफ, हो सकती है तो देखो ये फोर्टीन ठीक है अब देखो यहाँ पे कितना करा यहाँ पे माइनस फोर कर दिया तो देखो एटीन इधर इधर आना है ना अपने को लेफ्ट में नाइन जाना है तो मतलब एटीन माइनस क्या करना है नाइन्थ यानी नाइन्थ पोजिशन पर जाएगा बट इधर तो देखो और वापस चेंज हो गए तो देखो पहले मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आने के लिए कितना जाएगा 18 माइनस फोर कर दूँ तो कितने आगे आ गए बेटा एन पे आ गया मैं तो फोर तो माइनस हो गए ठीक है तो ये फोर माइनस हो गए अब यहाँ से फिफ्थ तो देखना है तो फिफ्थ पे कौन होगा ई e होगा ठीक है तो ऐसा बट आपको समझ में नहीं ये थोड़ा सा लास्ट में जाकर थोड़ा सा खिचड़ी होगी मैं वापस थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ क्लियर जैसे एम है बेटा यहाँ पे यहाँ पे ए है यहाँ से एन है यहाँ से आर है यहाँ पे जेड अब देखो यहाँ से ये तो अपना मिडल ये वाला मेन हो गया एटीनथ ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से आपको क्या जाना है नाइन्थ अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ए बी सी डी लिख लो एन एन एम एन एन के बाद ओ पी क्यू आर यहाँ हो गया ठीक है अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी ठीक अब नाइन्थ बोला है बेटा ठीक है तो देखो वन टू थ्री फोर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ तो ये आपका आंसर हो गया ठीक अब मैं कैसे बता रहा था उसको वापस समझाता हूँ देखो ये यह यहाँ तक तो मेरे को पता है यहाँ तक तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है क्योंकि यहाँ तो तो ये कंटिन्यूस चल रही है उधर जाके रिवर्स हो रही है तो इधर देखो यहाँ एन पे आ जाता हो तो देखो एन पे आता हो तो एटीन माइनस कितना कर दूँ फोर ठीक है तो कितने पे आ गया फोर्टीन पे तो फोर्टीन पे कौन होता है आपका एन ही होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं अब आपने फोर तो माइनस कर दी अब फाइव और आगे जाना है तो यहां से फाइव देखना है तो ए एक की एक्चुअल में वन होती है टू ये होता है थ्री ये होता है फोर ये होता है फाइव ये होता है तो फाइव पे कौन हो गया ई तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे बट आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप सॉल्व कर लेना क्लियर तो होप ये चैप्टर आपको एकदम बढ़िया से क्लियर होगा आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो अब देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो जितने बनाने वो बना सकते हो बट जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है अल्फ़ाबेट्स को कैसे अरेंज होते हैं उनके नंबरिंग क्या होती है आगे से नंबरिंग क्या होती है बैक से नंबरिंग क्या होती है तो वो सब यूज़फुल होंगे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ठीक है तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ तो थैंक यू सो मच